पिहोवा के गांव मलिकपुर में दुकानदार से मांगी 5 लाख की फिरौती। पत्र के माध्यम से मांगी फिरौती, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पिहोवा के गांव मलिकपुर में एक दुकानदार से 5 लाख रुपए की मांग की गई है। गांव मलिकपुर वासी लेखराज बंसल ने बताया कि गांव में उसके बड़े भाई की परचून की दुकान है। कल सुबह जैसे ही दुकान खोली तो अंदर एक लेटर मिला जिसमें मुझसे 5 लाख रुपए की मांग की गई है और अगर रुपए नहीं दिए तो उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पत्र में फिरौती मांगने वाले ने अंबाला जेल में बंद अपने साथियों को छुड़वाने की एवज में 5 लाख की मांग की है। ये लेखराज बंसल है जी, जी। उसके ब्रदर की दुकान है परचून की जी। उनकी शॉप के सामने कल उन्हें सुबह सुबह कोई लेटर मिला था जिसमें थ्रेट की हुई है और पैसे की डिमांड की गई है और उस पर हमने केस रजिस्टर कर लिया है। बाकी हमारी टीमें लगी हुई हैं CIA साइबर और पुलिस स्टेशन से भी और इसको क्लियर करेंगे। क्या लगता है किसी गैंग का काम है ये, उसमें कोई लिखा हुआ किसी टीम का नाम भी? हाँ, उन्होंने किसी गैंग का नाम तो लिखा हुआ है जो अंबाला है, उसके पीछे फायरिंग भी हुई थी जी जी, लेकिन वो सारा जांच का विषय है, उसमें देखेंगे जो भी हो। आपका? मैं लेखराज बंसल, हाँ जी, मलिकपुर का स्थायी निवासी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारी किराने की दुकान है, जैसे ही हमने दुकान खोली, ये दुकान के बाहर बिल्कुल बाहर ही साथ ही ये लेटर लिखा है मिला हमें जी जी। हाँ जी, क्या लिखा हुआ इसमें, क्या इसके है? इसके अंदर मेरे को 5 लाख की फिरौती मांगी गई है अज्ञात लोगों से और साथ में परिवार को जान से मारने की धमकी भी लिखी गई है, अगर आप लोग 5 लाख नहीं दोगे तो जान परिवार को जान से ख़त्म कर देंगे, सभी परिवार को। हमें तुम्हारे परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये कौन लोग हैं जो जिन्होंने? अज्ञात लोग हैं, इनके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है इनके बारे में। तो क्या आपने इसकी कहाँ शिकायत की आपने? सर, हमने इनकी शिकायत, हमारा थाना इस्माइलाबाद पड़ता है सर, हमने इनकी शिकायत इस्माइलाबाद SHO साहब को दिए है। हाँ जी, तो क्या पुलिस आई इस पे मौके पे? क्या? हाँ जी सर, पुलिस तो साथ ही साथ, जैसे हमने इन्फॉर्मेशन दी, मेरे बड़े भाई साहब गांव के सरपंच भी हैं, उन्होंने SHO साहब को फ़ोन किया, साथ ही साथ पुलिस मौके पे आके कार्रवाई में जुट गई। हाँ जी, तो अभी कोई लगा है पता कुछ इसका? अभी सर इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली हमें। उसके बाद हमारे पास DSP साहब भी आए हैं, CI2 बन के बहुत सारे कर्मचारी जी, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, सभी तरह के लोग हमारे पास इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं। घर की लोकेशन वगैरह सब देख के गए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम अभी बहुत सहमे हुए हैं, हमें जान से मारने की धमकी मिली हुई है, अगर आप हमें 5 लाख नहीं दोगे तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। हाँ जी।